तो हॉस्पिटल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे तो किस तरीके से रहेंगे और किस तरह से आपको ये स्टडी करनी है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम आपको पहले ही बता देते हैं जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमारा ओल्ड सिलेबस था हॉस्पिटल फार्मेसी, जो हमारा 2022 से पहला था 2022 से, इसके बाद में हमारा न्यू सिलेबस आया। तो यहाँ पे जो ओल्ड सिलेबस है और साथ ही हमारा जो न्यू सिलेबस है, यहाँ पे कुछ हमारे टॉपिक ऐसे हैं जो ओल्ड सिलेबस से इस सिलेबस में रखे हुए हैं, कुछ ऐसे जो इस सब्जेक्ट में न्यू यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे रहेंगे तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, लेकिन इसमें हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे इस तरह के रहेंगे जो आपका ओल्ड सिलेबस है उसमें रिपीटेड हमारे एग्जाम्स में आते थे, क्योंकि आपका 2022 में न्यू आया। तो यहाँ पे कुछ पेपर हमारे हुए हैं अभी जो हमारे 2022 और 2023 में हुए हैं, लेकिन इससे पहले हमारे जो रिपीटेड क्वेश्चन लगातार आते रहे हैं वो हमारे इसमें काफी ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे सीरीज रहेगी। अब चलिए पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे पैटर्न किस तरीके से हम आपको ये क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो आपके यहाँ पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेंगे डिप्लोमा सेकेंड ईयर के, और यहाँ पे पहले हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, सेकेंड यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से निकल के आते हैं। तो यहाँ पे यूनिट वाइज हम इनको कवर करते हैं जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना रहे, सर ये जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उठाया ये किस यूनिट से लिया है। तो यहाँ पे यूनिट वाइज होते हैं इसलिए आपने सिलेबस को स्टार्टिंग से जब पढ़ते हैं तो उसी तरीके से इंपॉर्टेंट आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, और जिस पर ज्यादा टिक होते हैं हमारा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस पर जितने कम टिक आपको मिलेंगे वो उतना कम इंपॉर्टेंट होगा। हमने पहले आपको बताया हुआ है अदर हमारे जो लेक्चर्स हैं, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, एचपी यहाँ पे हमने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इस पे इतने ज्यादा सारे टिक है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है हॉस्पिटल फार्मेसी को डिफाइन कीजिए, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है इसकी डेफिनेशन, साथ ही में हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। इसमें सेकंड हम देख लेते हैं राइट डाउन द प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्वालिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो एक हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट होता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकता है, साथ में उसकी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि वो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उसको वहाँ पे करना चाहिए, ये चीजें आपको बतानी है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये इस तरह का क्वेश्चन है जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रखा हुआ मिलता है। जैसे आपकी कम्युनिटी फार्मेसी है तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है हमारा उसके क्या रोल होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसी तरीके से यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कुछ हमारे मिलते जुलते क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट सेकंड, यहाँ पे डिस्क्राइब इन डिटेल पीटीसी फार्मेसी एंड थेरापोटिक कमेटी, इसकी कंपोजिशन और इसके फंक्शंस। देखिए यहाँ पे टू क्वेश्चंस, फर्स्ट हमारा पीटीसी और हमारा सेकंड जो है ये वाला, ये दो क्वेश्चन ऐसे जो हमारे हर बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, बाई चांस ऐसा होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, हमने इसको डिटेल में कराया हुआ है। फार्मेसी एंड थेरापोटिक कमेटी हमारी क्या होती है, इसकी कंपोजिशन ये बनती कैसे, किस किस को इसमें लिया जाता है, साथ ही में ये हमारे जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर ये किस तरीके से वर्क करती है, तो ये आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्क्राइब इन डिटेल हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग में हम आपको बता रहे हैं लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है क्वेश्चन हमारा शॉर्ट में पूछा जाता है लेकिन कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है भी नहीं, हमने आपको कराया हुआ है, जितना हमने आपको कराया आप ओनली उतना ही करें, आपके लिए इनफ रहेगा। इसमें थर्ड हम देख लेते हैं, आप कुछ बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं कि सर ये जो हमारी यूनिट सेकंड है इसमें तीन तो क्वेश्चन है, तीनों ही आपने यहाँ पे लिख दिए। देखिए ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा कम ये वाला इंपोर्टेंट है लेकिन इंपोर्टेंट है, और इन सब में जो हमारे ये क्वेश्चन है ज्यादा नहीं आता है लेकिन कभी कभी ये भी रखा हुआ मिल जाता है, तो मेन आपका फोकस इन दोनों पर रहेगा, बाकी आप इसको भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा हो गया। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी हमारी क्या होती है आपको बताने, साथ ही में जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है तो इसके अंदर जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके रोल क्या होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी यूनिट थर्ड, तो इसके अंदर से कौन कौन से हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे रहेगा डिफाइन इन्वेंटरी कंट्रोल और साथ ही में इट्स टेक्निक। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है तो ये आपका यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर भी है, साथ में सेकेंड ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी उसकी जो लास्ट वाली यूनिट है उसके अंदर भी हमारे ये सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप इसको स्टडी कर लें, वहां पे आप इसको स्टडी कर लें, ये एक ना एक सब्जेक्ट में आपको रखा हुआ जरूर मिलेगा, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल प्रिपेयर करें क्योंकि हमारे रिपीटेड ये क्वेश्चन है, दोनों सब्जेक्ट में आपके काम आ रहा है। तो इन्वेंटरी कंट्रोल हमारा क्या होता है ये आपको बताना है, और इसकी कुछ हमारी टेक्निक्स होती हैं जैसे एबीसी टेक्निक्स हो गई, वेट टेक्निक्स हो गई, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे
स्टडी करेंगे। अच्छा यहाँ पे और करके देख लेते हैं। देखिए या तो आएगा इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा क्या होता है, या इसी के और में, या वो नहीं आएगा तो आपको ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, एक्सप्लेन इन डिटेल। डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है ऑफ सेंट्रल डेटल स्टोर। क्वेश्चन हमने आपको पहले ये डिटेल में कराया हुआ है, तो एक आपको रखा हुआ मिलेगा, ये मिले ये वो वाला मिले, ये आपको कम इंपोर्टेंट है, वो वाला आपका ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रिपेशन ऑफ ड्रग लिस्ट। लाइक जैसे हाई रिस्क ड्रग हमारी हो गई, इमरजेंसी ड्रग्स हो गई। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आपको कभी कभी रखा हुआ मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, सारी चीजें आपको पूछ रहा है तो लॉन्ग में पूछ लेगा, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्या होता है जो हमारा क्वेश्चन है ना शॉर्ट में आता है। जैसे डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा प्रिपेशन ऑफ हाई रिस्क ड्रग लिस्ट, जैसे हमारी हाई रिस्क वाली ड्रग होती है तो उनकी लिस्ट की आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। मतलब कि जैसे एक लिस्ट है तो उसमें आपको दवाइयाँ ऐड करने की, ये वाली हमारी दवाइयाँ हैं जो हाई रिस्क वाली ड्रग हमारे लिए हो सकती हैं, ये यहाँ पे इमरजेंसी ड्रग्स हो गई। तो शॉर्ट में इतना आपसे ये पूछा जाता है, लॉन्ग में बाई चांस ऐसा हो जाता है कि एग्जामिनर दे देता है, वरना हमारे ये शॉर्ट में आता है। इंपोर्टेंट है, आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी यूनिट 4, इसके अंदर से कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। जैसे यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा एक्सप्लेन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। तो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको बतानी होगी, साथ में जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन पेशेंट के लिए और आउट पेशेंट के लिए। कभी कभी क्या होता है ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट में, मतलब कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और आपको शॉर्ट में दोनों यहाँ पे बताने होंगे इन पेशेंट और आउट पेशेंट के लिए ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, वरना यहाँ पे सेपरेटली आता है आपको डेफिनेशन बतानी है, और ये जो हमारा एक है इसके लिए आपको डिटेल में बताना है ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, इसके कुछ मेथड्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताने होंगे। तो हमारा ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है, इसको आप अच्छे से करें। देखिए अगर ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है तो और करके यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो ओनली एक पूछेगा, हमारा जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नार्कोटिक का, ये किस तरीके से किया जाता है यहाँ पे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का, तो इसको आप यहाँ पे कर लेना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी यूनिट 6। देखिए यहाँ पे एक चीज हम आपको पहले बता दें, जैसे हमारी यूनिट्स हैं, अब यूनिट क्या है, जैसे आपका सिलेबस है इसमें बाय मिस्टेक ये जो नंबरिंग है इसको गड़बड़ किया हुआ है। अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये 5 मिलेगा, 6 7 कुछ इस तरीके से, तो आप नंबरिंग में यहाँ पे ना जाए। तो जैसे हमारे ये न्यू सिलेबस में आपका ऐड किया हुआ है, 2022 से पहले जो था उसमें नहीं था, अभी जो है इसमें आपका ये है। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इसमें क्या होता है ना इस तरह के क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछ लिए जाते हैं या शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इनको लिखा हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे हमारे ये शॉर्ट है। जैसे हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन तो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बाकी आपको क्या करना है भी इनकी स्टोरेज कैसे इनको रखा जाता है, इनकी डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है, डिस्पोजल वगैरह आप इनको शॉर्ट में कर लें। लॉन्ग में अगर ये आपसे पूछा भी जाता है तो आप इनमें 4 से 5 पॉइंट हर उसमें लिखेंगे, आपका ये लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 7, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी और साथ में प्रैक्टिस। आवाज़ हमारी थोड़ी सी बैटरी हो सकता है आपको थोड़ी आवाज़ चेंज आए। देखिए हमारे जो यहाँ पे एप्लीकेशन होती हैं ऑफ कंप्यूटर्स की इन हॉस्पिटल फार्मेसी, आपका जो लास्ट ईयर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से डिटेल में करना जिससे अगर आए तो आप इसको यहाँ पे लिख सकें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 8, तो एक्सप्लेन यहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी हमारी क्या होती है, आपको ये थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन वगैरह बतानी है, साथ में क्या है इसके स्कोप, डेवलपमेंट्स इंडिया में कैसे हुआ, अदर कंट्रीज में हमारा क्या हुआ, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। देखिए क्लिनिकल फार्मेसी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर इसको ना करें, अच्छे से यहाँ इसको प्रिपेयर कर लें। अदर इसमें क्या हो सकता है, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी इसको पूछ लिया जाए। जैसे एक्सप्लेन कॉमन टर्माइनोलॉजीज यूज इन क्लिनिकल फार्मेसी क्लिनिकल सेटिंग एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे कुछ आपको कॉमन टेक्निक्स बताने जो हम आपको पढ़ाएंगे, अभी शायद ये लेक्चर हमने नहीं यहाँ पे कवर किया, जल्दी करेंगे। तो कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज, सॉरी यहाँ पे टर्माइनोलॉजीज जो क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज की जाती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। आप इसको डिटेल में ना करें, थोड़ा सा आप इसको देख लें, एग्जाम आए तो कम से कम आप सारे नहीं लिख लें, थोड़ा सा लिख सकें। इसमें सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल केयर। देखिए फार्मास्यूटिकल का केयर सीधा मतलब होता है जैसे हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वगैरह है वो जो केयर दे रहे हैं, तो उसमें फार्मास्यूटिकल्स वगैरह का यूज भी किया जा रहा है, तो वो किस तरीके से
क्या जा रहा है, कुछ यही आपको इसके अंदर बताना होगा। जैसे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कुछ प्रिंसिपल्स, प्रोसीडर, किस तरीके से फार्मास्यूटिकल खेलती जाती है वो आपको यहाँ पे बताना है, आप इसको कर लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 9। देखिए इसके अंदर क्या है ना, कुछ हमारे टेस्ट हैं, जैसे यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया, ये तो इनको आप थोड़ा अच्छे से कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट में पूछने के चांस ज्यादा रहेंगे। एक यहाँ पे टेस्ट उठा लिया जाएगा और वो आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट क्या होते हैं हमारे, और यहाँ पे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड इन एवोल्यूशन ऑफ डिसीज स्टेट्स, जो हमारे यहाँ पे कुछ डिसीज की स्टेट्स होते हैं। जैसे आपने लीवर के फंक्शन का टेस्ट किया, उससे आपको पता चल रहा है लीवर की एक तरह से स्टेट क्या है, किस कंडीशन में है, तो इन चीजों को आपको यहाँ पे बताना होगा। देखिए हमने यहाँ पे टू टिक लगाए हुए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपसे पूछ लिया जाएगा, वरना आपसे सेपरेटली ये पूछे जाएंगे लीवर फंक्शन टेस्ट करके इस तरह से, तो आप इनको कर लेना। नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पे हमारी यूनिट 10। इसके अंदर से हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये वैसे छोटी छोटी यूनिट है, इस तरह से देखा जाए तो हमारे इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो इसके चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं एग्जाम में, आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम ही पूछा जाता है डिफाइन पॉइजनिंग। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा तो ओनली यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जाएगी पॉइजनिंग की, अगर आपसे ये लेंथ में मतलब कि लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो आपसे यहाँ पे पॉइजनिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और पॉइजनिंग के कितने टाइप्स होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब कोई बंदा ले लेता है, और साथ में इसके एंटीडोट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब अगर ये नहीं पूछा जाता है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपसे पूछा जाएगा, और करके हमने यहाँ पे लिख दिया एक टिक लगाया हो भाई, ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। राइट डाउन द ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर सर्विसेज, मतलब कि पॉइजन इंफॉर्मेशन कुछ सेंटर्स वगैरह हमारे होते हैं जो एक तरह से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई पॉइजनिंग के बारे में क्या ये है, किसी ने ले लिया तो किस तरीके से इसको ट्रीट वगैरह किया जाए, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको कर लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 11। इससे हमारा कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखिए जो हमारा क्वेश्चन है आप इस पे एक टिक और लगा लीजिए, लास्ट ईयर भी आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आपके एग्जाम्स में। डिस्कस फार्माको विजिलेंस, ये हमारा क्या होता है, साथ में इसके एम, स्कोप, इसका ओवरव्यू क्या होता है, इसको आप यहाँ पे पढ़ लेना। आप इसको डिटेल में करेंगे अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग में नहीं कर रहे हैं तो कम से कम शॉर्ट में आप इसको कर लेना, जिससे कि आए तो आप हो तो यहाँ पे लिख सकें। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट 12 हमारी, जिसमें कि हम पढ़ेंगे डिफाइन मेडिकेशन एरर्स और इसके कुछ टाइप्स वगैरह, स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर्स। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक हमने आपको कम्युनिटी फार्मेसी में आपकी यूनिट 6 से शायद, जो हमारा सेम क्वेश्चन है आई थिंक, मिलता जुलता है, तो वहाँ पे आपने उसको पढ़ा है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और आप इसको करेंगे तो एक ना एक सब्जेक्ट में आपसे पूछा जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मेडिकेशन एरर्स हमारी क्या होती हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और कुछ हमारी ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे कि जो मेडिकेशंस वगैरह हैं उसमें एरर हो रही हैं उनको हम कम कर सकते हैं कुछ स्ट्रेटजीज का यूज़ करके, वो आपको यहाँ पे बताना। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या होता है ना आपके कुछ इस तरह क्वेश्चन आते हैं जो जनरल लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए, आप वहाँ पे मेडिकेशन वगैरह का यूज़ करें, उनमें एरर हो गई, कुछ स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह के हमारे ये क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन, इनका यहाँ पे क्या मतलब और हमने यहाँ पे ये क्यों लिखे हैं, ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे और ऐसे हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हमारी यूनिट 1 है, डिफाइन हॉस्पिटल हमारा क्या है, और साथ में इसका क्लासिफिकेशन, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। वरना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिख दिया है, रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है यहाँ पे फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल के अंदर, तो हमारी यूनिट 1 है उससे हमारे क्वेश्चन उठाए हुए, आप ये ना सोचे सर ने एक्स्ट्रा में दे दिया है, बस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आप इसको दोबारा बता रहे हैं आपको, जिससे कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, इग्नोर ना करें। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो मोस्टली हमारे ऐसे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से निकल का है, कुछ हमारे ऐसे हैं जो सेपरेटली भी हैं, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन है जो कभी कभी क्या होता है, जैसे दो को एक साथ मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बना लिया, या शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे ज्यादा रिपीट होते हैं वही हमारे पूछे जाते हैं। जैसे डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, तो लॉन्ग में हमने आपको पहले ही बता दिया, आप ये ना सोचे एक्स्ट्रा में हमारा आया, यहाँ पे ओनली डेफिनेशन आपको याद करनी है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी हमारी क्या होती है। सेकेंड यहाँ पे डिफाइन GPP गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको क्या बेनिफिट होता है, कम्युनिटी फार्मेसी में क्वेश्चन आप याद करेंगे और साथ में इसमें भी आप याद करेंगे, वहां पर आप इसको लॉन्ग में कर लेते हैं तो शॉर्ट में आप इसको हॉस्पिटल फार्मेसी में भी लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हमने टिक नहीं लगाए, सारे हमारे इंपॉर्टेंट है जितने हमने लिखे हैं। साथ में डिफाइन NABH एक्रेडिटेशन,
अब क्या है आपका जो बीफॉर्म है उसमें भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आता है, डीफॉर्म में भी आपके आता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, शॉर्ट में आप कर लेना, लॉन्ग में नहीं कर रहे तो। डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ये आप कर लेना, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आईसीयू वार्ड्स। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की तो आप जो इन पेशेंट आउट पेशेंट के लिए वो आप पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होता है। एक्स्ट्रा में यहाँ पे जैसे आईसीयू वार्ड्स वगैरह होते हैं, आपने नाम सुना होगा, आईसीयू में उन पेशेंट को रखा जाता है, थोड़ी सीरियस कंडीशन वाले होते हैं उनको स्पेशल केयर दी जाती है, तो इसको आप यहाँ पे कर लेना। डिफाइन इनकम पेटिबिलिटीज, इनकम पेटिबिलिटीज क्या होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। आई थिंक आपका एक सब्जेक्ट हो रहा है जिसमें हमने आपको शायद ये पढ़ाया हुआ है। साथ में यहाँ पेशेंट काउंसलिंग, इस ये पेशेंट काउंसलिंग आपको कम्युनिटी फार्मेसी मिल जाएगा। देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी और साथ में कम्युनिटी फार्मेसी, ये दोनों ना यहाँ पे मिलते जुलते हैं, तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन जो हॉस्पिटल फार्मेसी का आपको कम्युनिटी फार्मेसी में यूज हो जाएंगे, कम्युनिटी फार्मेसी के हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज हो जाएंगे। तो आप एक करें, अगर आपको कम्युनिटी फार्मेसी में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हॉस्पिटल फार्मेसी में सेम है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा कम फोकस करें, वही आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। पेशेंट काउंसलिंग हमारी क्या होती है, साथ ही मेडिकेशन हिस्ट्री क्या होती है आपको यहाँ पे कर लेना। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारी क्या होती है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, साथ ही में यहाँ पे वर्ल्ड राउंड पार्टिसिपेशन ये आप कर लेना। डिफाइन ड्रग इंटरेक्शन, तो ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब एक बात जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपना सिलेबस देखिए, यहाँ पे आप इसको यूनिट थर्ड समझ लीजिए, फोर है, बाई मिस्टेक यहाँ पे सिलेबस में काउंटिंग गलत की गई है। तो जैसे हमारी यूनिट है, अब यहाँ पे हम यूनिट थर्ड अपनी देखें, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे यूनिट थर्ड है, तो इसके अंदर क्वेश्चन हमने आपको एक तो ये बताया है, और साथ ही में इसके अंदर हमने आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं, कुछ हमने शॉर्ट में आपके लिख दिए हैं, लेकिन आपके हम यहाँ पे सिलेबस में देखें तो इतनी ज्यादा लेंथ ही आपकी ये यूनिट है। अब यहाँ पे हमने तो आपको इम्पोर्टेंट बता दिए, लेकिन सपोज कीजिए इनमें इम्पोर्टेंट से अलग जो है वो आपसे पूछ ले जाए, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर है उसके माइंड में होता है, चाहे तो वहां पे जितने इम्पोर्टेंट बार बार वो दिए जाते हैं वो रख दे, या कभी कभी भाई एग्जामिनर का माइंड ऐसा है वो बिल्कुल सारे ऐसे क्वेश्चन रख दे जो कभी आए नहीं है, तो इस कंडीशन में आपके लिए क्या रहेगा, आप क्या करें, जितने क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताए आप ना उनको शॉर्ट में याद कर लें, मतलब कि थोड़ा सा पढ़ते तो आप पूरा सिलेबस ही है भाई, क्या होता है एग्जाम के टाइम पे आप सोचते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ लें जिससे कि नंबर अच्छे आ जाए, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप पूरा याद ना करें, बस थोड़ा सा उनको देख लें, एग्जाम में आप बना के उनको लिख दें। तो इस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, इसका रीजन सीधा यही है कि आप ये ना कहीं एग्जाम में जाए तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम आए आए लेकिन प्रॉपर पेपर अच्छा नहीं गया है, तो वो वाला क्वेश्चन आप उनसे ना करें, आप इंपॉर्टेंट ही कीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन पर आप एक बस थोड़ा सी नजर मार लीजिए, थोड़ा फोकस कर लीजिए, जिससे आई थिंक डेफिनेशन तो आपको उसकी पता होनी चाहिए। ये हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिनको टॉप करना होता है, अच्छे काफी अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, बाकी आपको ओनली पास होना है, तो जितना हम आपको बताएं इन्हीं में से आप पास तो होंगे और काफी अच्छे मार्क्स आप इन्हीं से ले आएंगे। तो ये हमारे थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, हॉस्पिटल फार्मेसी के। काफी टाइम से लेक्चर, आई थिंक 15 डेज हो गए हैं जब से लेक्चर हमारा नहीं बना है, थोड़ा सा फैमिली फंक्शन चल रहा था इस वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहे थे। कुछ बच्चों का डाउट है नोट्स को लेकर, तो देखिए नोट्स के लिए आप सीधा हमारी वेबसाइट ज्वाइन कर लीजिए, www.easyfarms.com, जो चैनल का नाम है उसमें लास्ट में यह हटा के आप एस लगा के .com लगा के सीधा सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे, और देखिए आप सीधा वहाँ पे इंग्लिश में भी नोट्स ले सकते हैं, साथ ही में हिंदी प्लस इंग्लिश में भी ले सकते हैं, तो सीधा आप वहाँ पे जाइए, नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।